नमस्कार फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे तीन ब्लड टेस्ट करने से हमारा हेल्थ 80 परसेंट तक हम लोग कैसा पहचान सकता है मतलब ऐसा एसेस कर सकता है हम लोग देखेंगे आज फ्रेंड्स देखिए गट हेल्थ गट हेल्थ बहुत जरूरी है गट हेल्थ का मतलब क्या होता है कि यू शुड नॉट हैव कॉन्स्टिपेशन गैस एंड ऑल दोंग्स यू शुड बी एबल टू गो दो टाइम तो एटलीस्ट यू हैव टू गो टू द टॉयलेट

पका वाला खाना खाते हैं न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता है न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है कि जब कुक नहीं करेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन होता है स्प्राउट्स फ्रूट्स नट्स नो you know, सीजनल फ्रूट्स वगैरह खाना है और न्यूट्रिशियस फूड होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस किस लिए होता है कि हम लोग का जनरल आदत ये है कि सवेरे से शाम तक ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो सब लोग खाते तीन बार खाना तो हो गया लोगों को उसके अलावा बीच में स्नैक्स खाना कॉफी टी पीना अगर कुछ लोग कुछ ऑफर कर देंगे फटाफट मुंह पे डालना ये हैबिट है दिस इज इज द वन इसीलिए बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम आता है उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो भी खाया वो इमिडियटली वो डाइजेस्ट होने के बाद वो शुगर होता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन पैंक्रियास क्रिएट करता है प्रोड्यूस करता है तो अगर दिन में बहुत टाइम हाई इंसुलिन रहता है बॉडी के अंदर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज मिनिमम वन आवर वॉकिंग करना बहुत जरूरी है सात घंटा रात को सोना जरूरी है माइंड मैनेजमेंट हम लोग को कैसा हैंडल करना माइंड रिलेशनशिप विद फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैसा नहीं होना चाहिए ये जो डी विटामिन एंड बी ट्वेल्व विटामिन का जो लेवल्स है बराबर होना चाहिए अगर ये सब दस ग्यारह पॉइंट अगर बराबर नहीं है ओवर दस इट टेक फाइव ईयर्स टेन ईयर्स उसके बाद में क्या होता है बॉडी के अंदर सूजन, हार्मोनल इंबैलेंस होता है उसके वजह से लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर आता है इट्स नॉट ए डिसीज एक्चुअली डिजॉर्डर क्योंकि हम लोग ऑर्डर में नहीं है इसलिए डिजॉर्डर हो रहा है फैटी लिवर होता है ओबेसिटी डायबिटीज ब्लड प्रेशर पीसीबोएस एंड सीवीडी होता है देखिए ये तीन ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है एक तो है फास्टिंग शुगर फास्टिंग ग्लूकोज जो भी बोलता है वो सब लोग करते हैं एच बी ए वन सी थ्री मंथस एवरेज है ये भी होता है जो भी आप पैकेज ले तो बह लाज ये दो टेस्ट होता है ठीक तो है ना ये दोनों ठीक है सपोज लोगों को ये दोनों ठीक है ये बिलो नाइन्टी नाइन है बहुत तो बढ़िया है ए वन सी भी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट थ्री मंथस एवरेज भी बढ़िया है बट फिर भी वो लोग मोटा है ब्लड प्रेशर है किसी किसी को मैंने देखा है ऑलरेडी उसको स्टेंट स्टेंट डाल दिया है बट पैरामीटर जो दो पैरामीटर करने से भी इतना फायदा नहीं है तो करना क्या चाहिए सालों साल तक एकदम तो कंट्रोल में रहता है ये करने से इतना फायदा नहीं है बट ये इंसुलिन चेक करना बहुत जरूरी है इंसुलिन चेक करने से हमें पता होता है तो इंसुलिन कितना होना चाहिए थ्री टू फाइव होना चाहिए बट लोगों को बहुत होता है शुगर लेवल बिलो 99 एवंसी 5.6 जब इंसुलिन जब ज्यादा होता है वो क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है देखिए यू कैन पीपल कैन बिकम फैटी लिवर डायबिटीज ओबेसिटी ब्लड प्रेशर स्ट्रोक सब हो जाता है अब देखिए वेलनेस सीक्रेट डेली शेड्यूल्स आई एम गाइडिंग पीपल फॉर द लास्ट एट ईयर्स

प्रोसेस फूड से फैक्ट्री में जो बना है पैकेज है जो ये सब अवॉइड करना चाहिए करना क्या चाहिए देखिए दिन में सिर्फ दो बार खाना जब भूख लगता है अच्छे से तो खाने का मतलब लोग सोचते हैं कि चपाती खाना या चावल खाना लोग सोचते हैं चाय पीना काफी पीना थोड़ा बहुत स्नैक्स खाना दे फील इट इज नॉट फूड प्लीज अंडरस्टैंड फ्रेंड्स एनीथिंग एल्स आप लोग मुँह पे डालेंगे वो पूरा डाइजेस्ट होके बॉडी के अंदर शुगर होता है शुगर को कंट्रोल करने इंसुलिन होता है अगर दिन के अंदर छह सात बार डेली खाते रहेंगे तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि शुगर लेवल तो कंट्रोल में रहता है इन्सुल स्टेजेस में बट इंसुलिन एलिटेड रहता है जब इंसुलिन ज्यादा रहता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ऑल दब प्रॉब्लम हो जाता है तो अब देखिए अगर हम लोग ये फॉलो करेंगे दिन में सिर्फ दो ही बार खा लो जो खाना आपको पसंद है वो खा सकते हो जो टाइम आपकी मर्जी ठीक है कितना क्वांटिटी खाना आपकी मर्जी बस आप सिर्फ ये सिर्फ टेक्निक फॉलो करेंगे तो दिस कैन टेक योर योर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा उसके वजह से ऑटोमेटिकली हेल्थ आ जाएगा फ्रेंड आर द द सम ऑफ पीपल हु आर इन आवर ग्रुप दे हैव बेनिफिटेड बाय फॉलोइंग दिस लाइफस्टाइल चेंजेस ये सब बेनिफिट हुआ इन लोग को वेट कम हो गया कुछ लोग का डायबिटीज कम हो गया फ्रेंड माय नेम इज गंगेशवर राव आई एम नॉट अ डॉक्टर आई एम ऑटोमोबाइल इंजीनियर वर्कड इन ए स्कॉट्स फॉर अबाउट 34 इयर्स एंड 2014 में मेरा ये जो 12 पैरामीटर में देखिए सिर्फ दो ही ठीक है दैट मींस मेरा हेल्थ स्कोर 16% है चार महीने में जो डॉक्टर बंतना का लाइफस्टाइल सीख के मैंने मेरा हेल्थ इंप्रूव हो गया 83% हो गया 4 महीने का देखिए डिफरेंस कितना है तो लास्ट 8 इयर्स आई डोंट नॉट ऑफ रिसर्च एंड आई गाइड पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट If anybody wants any help, my mobile number, they can send their blood reports. They can speak to me on my WhatsApp. Thank you very much, friends. Knowledge and discipline are the gateways to invest time. And thank you for listening to this talk. Please share to your friends.